विदिशा में नदी में डूबे पांचों लोगों के शव बरामद हो गए हैं। बेतवा नदी में डूबे सभी पांच लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 3 लाख 3 बल्कि अलग अलग घटनाओं में बेतवा नदी में 5 लोग डूबे थे। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद ये लोग नहाने वहां पर गए थे। अगर बात रंगई और बंगला घाट की करें तो प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। नदी में डूबे पांचों लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। बेतवा नदी में डूबे सभी पांचों के शव बरामद किए गए। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने शव को बाहर निकाला है। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। 3 अलग अलग घटनाओं में बेतवा नदी में 5 लोग डूबे थे। जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, खबर यह कि अभी सभी को बाहर निकाल लिया गया है। राहुल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, रविवार का दिन जो था दुर्घटनाओं का दिन था और यहां पर बेतवा नदी में करीब 3 घटनाओं में 5 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। सभी के शवों को आज जो है रेस्क्यू करके होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल दिया है। बद इंतजामी कहें या फिर प्रशासन की नाकामी, यहाँ पर देखने को जो अमूमन ये मिलता है कि ये जो 2 घाट है यहाँ पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये सभी घाट यहाँ पर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, ये टूट गए हैं और यहाँ पर जो है लोग नियम प्रतिबंध होने के बावजूद भी यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और जिसके चलते ये दुर्घटनाएं हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैं बर्री घाट की बात करूं, जिस पुल से भाई बहन और नदी में डूबे थे, जिसमें से बहन को रेस्क्यू करके वहीं के एक व्यक्ति ने, राहगीर ने बचा लिया था, लेकिन उक्त घाट पर भी रेलिंग नहीं है जिसके चलते यह हादसा हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों को तत्परता और सजगता बरतनी चाहिए जिससे कि इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। फिलहाल राज्य शासन द्वारा सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है, लेकिन ये परिजनों के लिए नाकाफी साबित होती है, जबकि उनके परिवार का कोई मुखिया, उनका घर का व्यक्ति यदि इस तरह से दुर्घटना में चला जाता है तो ये गंभीर और सोचने वाले विषय है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये गंभीर बात है और सोचने वाली विषय भी है, इसमें सोचना भी चाहिए।